अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे दीक्षा ऐप लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, आपका एक सवाल आ रहा था हाउ टू यूज दीक्षा ऐप। तो दोस्तों डीएलएड छात्र ध्यान दें, लॉग इन एंड रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे दीक्षा ऐप को लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे इस पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। एक और सवाल दोस्तों कि दीक्षा ऐप को यूज कैसे करना है, दीक्षा ऐप का जुगाड़ तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के छात्र हैं तो भाई जुगाड़ तरीका हम आपको कुछ बताते हैं कि दोस्तों आप एक ही दिन में दीक्षा ऐप पर जो कोर्स है उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये सब लिख के आ रहा होगा दीक्षा ऐप का, ICT इन एजुकेशन हाउ टू क्रिएट वेब पेज। दोस्तों आप इसको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, कोर्स मॉड्यूल में जाकर कैसे कैसे करना है, मात्र एक दिन में पूरा करें कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉसिबल है। एक और अपडेट आपके सामने, GPF 200 नंबर का है करके सीखना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे आपको दीक्षा ऐप में क्या क्या काम करना है। सबसे पहले दोस्तों, जब आप दीक्षा ऐप पर लॉग इन कर लेंगे तो या दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलने वाला है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते कि आपके मोबाइल में भाई कम से कम पूरा पेज तो दिखे ना। तो कुछ दोस्तों ऐसे शो करेगा, ऊपर हिंदी मीडियम, अवधि मीडियम, भोजपुरी मीडियम ऐसा कुछ लिखा होगा, क्लास 1, 2, 3, 4, 5। देखिए दोस्तों, आपको आना नीचे, ठीक है, ऐप में दोस्तों नॉर्मली आपका लिखा रहेगा, नीचे वीचे कहीं नहीं आना है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते तो आपको सही दिखेगा, तो बढ़िया लगेगा ना। तो ये दोस्तों देखिए, जब दोस्तों आप दीक्षा ऐप को ओपन करें तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा होगा लाइब्रेरी, कोर्स लिखा होगा, डाउनलोड एंड प्रोफाइल। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया, चाहे आप GP ऐप हो चाहे दीक्षा ऐप, कभी भी कुछ भी ऐप को ओपन करिए तो सबसे पहले आपको जाना होता है प्रोफाइल में। तो दोस्तों जैसे आप प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आप अपना देख लेंगे, भाई आपका क्या नाम है। तो हमने आपके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट किया अपने नाम का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऊपर सबसे पहले नाम शो करेगा। एक चीज जरा ध्यान में रखिएगा, जो भी दोस्तों आपका नाम हो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ऊपर आपका सबसे पहले नाम शो करेगा, उसके बाद आपका जो जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या है, इसको जरा आप ध्यान से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल्स में कुछ चीज़ें, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपको अपनी ईमेल आईडी पर दोस्तों वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस पर एक OTP आता है, ठीक है ना, 4 अंकों का आ सकता है, 6 अंकों का। उसके बाद दोस्तों जब आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, देखिए हर जगह से दोस्तों आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा, मतलब वेरीफाई करा लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप जो नीचे देख रहे हैं ये आपका रिकवरी, इन केस दोस्तों अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर कैसे करेंगे अकाउंट को, इसलिए दोस्तों आपका एक रिकवरी नंबर मांगा जाता है जो लास्ट में है। उसके बाद दोस्तों आप अपना क्या क्या फिल करना है, बोर्ड आपका कौन सा होगा, स्टेट उत्तर प्रदेश, इसको देखिए इसको डाल देंगे। मीडिया में दोस्तों आप लोग सिलेक्ट करेंगे हिंदी, ठीक है ना, सिलेक्ट क्या करना है हिंदी। उसके बाद जब क्लास में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सबको सबमिट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट में दोस्तों आपका DLED उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस ऐप को रिफ्रेश करेंगे तो सब कुछ ये सामने आ जाएगा। अगर आपने कुछ अलग कर रखा तो इसको आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है, ये बेसिक सा प्रोफाइल है। तो अगर आपने इतना काम कर लिया भाई प्रोफाइल वाला काम, तो आधा काम हम कहेंगे कंप्लीट हो गया, ठीक है। बच्चे गलती यही करते हैं, अपनी प्रोफाइल नहीं बना पाते, पहले प्रोफाइल बन गया। कभी कभी दोस्तों आपसे ईमेल आईडी या लॉगिन नहीं मांगता तो आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा कोर्स में, जब आपका प्रोफाइल सब कुछ क्लियर हो जाए तो फिर आप क्लिक करेंगे अपने कोर्स में या लाइब्रेरी में, ठीक है। पहले लाइब्रेरी या कोर्स में दोस्तों जाकर आप ये देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जो माई लर्निंग दिख रही है, हमने कुछ सब्जेक्ट को आपके लिए भाई चूज कर लिया था कि आपको हम कुछ दिखा पाए, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आर्ट एंड म्यूजिक हो गया, एजुकेशनल एवोल्यूशन हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट थे, फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर था दोस्तों, ऑनगोइंग चल रहा है, लेकिन इसको हमने कंप्लीट करके आपके सामने दिखा दिया। साइंस आ गया, देखिए आपको बता दो कुछ और सब्जेक्ट आ चुके, जैसे मैथ हो गया दोस्तों, आपका हिंदी हो गया, धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ आपका क्विज करके क्वेश्चन आते हैं, जब आप उसको पेपर दे देंगे कुछ करेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो आपके सामने कुछ सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर आप करिएगा, ठीक है, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा तो आपके सामने एक सर्टिफिकेट आएगा, उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये बातें होगी दोस्तों बेसिक सी। अब दोस्तों हमारा जुगाड़ तरीका क्या है, दीक्षा आपको दोस्तों सभी बच्चे डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ एक बात और है भाई, आप लोग सारे ये जो सब्जेक्ट हम आपके सामने दिखा रहे हैं ये आपको मिलेगा कैसे, जरा देख लीजिए, कम से कम इतने सब्जेक्ट को आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर हो गया सेमेस्टर 3, साइंस DLED सेमेस्टर 3, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन एवोल्यूशन एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन, कुछ सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया। आप खाली देखिएगा गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, जब दोस्तों आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे ना तो सब कुछ आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा, लेकिन पहले आप प्रोफाइल अपनी बना लीजिएगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, प्रोफाइल बनाते नहीं है, उसके बाद परेशान ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, प्रोफाइल को दोस्तों जब आप मैनेज करना सीख जाएंगे तो सब कुछ बिल्कुल आसान सा लगेगा। कुछ और बात दोस्तों कि आप एक दिन में जुगाड़ तरीका क्या होगा कि एक दिन में दोस्तों सारे सब्जेक्ट को कैसे अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक ही सवाल होगा ना, तो पहले दोस्तों आपको एक बात और बता देते हैं कि जैसे कि आपके मन में होगा ना कि भाई हमें क्या सिलेक्ट करना है, कहाँ से ढूंढना है, कैसे कैसे, तो दोस्तों अगर आप कहीं पर भी सिंपली क्लिक कर देंगे, देखिए जैसे कि हमने पहला पेज खोला था आपके सामने, ऊपर दोस्तों ये देखिए सर्च वाला आइकन दिख रहा है, इसमें इसमें जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों सर्च करने के लिए कुछ आ जाएगा, टाइप करना होगा टाइप। तो दोस्तों आपको जो भी सब्जेक्ट ढूंढना हो आप यही स्पेलिंग आप देख के लिख दीजिएगा, तो ये सारे सब्जेक्ट तो कम से कम आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों मैथ हिंदी ये सब, जब दोस्तों आप ये सब सब्जेक्ट मिलने लगेंगे तो उसके बाद सजेशन भी आने लगता है सब्जेक्ट का, तो सारे सब्जेक्ट आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे तो आप पहले बात करते हैं भाई जुगाड़ तरीका क्या है, कैसे दोस्तों आप एक ही दिन में सारी कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों आपके पास जो ये ऑन गोइंग, देखिए फिर से इसको हम आपको दिखा देते हैं, देखिए थोड़ा चीज बार बार दिखाना पड़ता है। तो देखिए जैसे मान लेते दोस्तों हमको कंप्लीट करना था हमारा कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमें ये कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट हमने क्लियर किया है, तो मतलब हमने क्लिक किया सबसे पहले कंप्यूटर पर, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चीजें आएंगी। क्या चीजें आने वाली है, ऐसे दोस्तों शो करेगा कोर्स मॉड्यूल में जब आप क्लिक करेंगे, जैसे इसको खोलेंगे ना तो यहाँ पर आईसीटी एंड एजुकेशन और हाउ टू क्रिएट वेब पेज, तो दोस्तों एक एक करके आपको सब कुछ देखते जाना है, ठीक है ना। वीडियो को पहले सेकंड से लेकर लास्ट तक बढ़ा दीजिएगा, उसको कट नहीं करना है, ठीक है। वीडियो पूरी मत देखिए लेकिन शुरू से लेकर अंत तक बढ़ाते हुए चले जाइएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका पेज हो, पहले पेज से लेकर जितने भी लास्ट पेज तक हो उसको नीचे तक स्क्रॉल करते जाइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपके सामने दोस्तों एक ये बटन होती है, एक ये ऊपर बटन, ये ऊपर वाले नेक्स्ट की बटन होती है, इसको दोस्तों ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ऊपर आपको एक बटन दिखेगा, जैसे भी आप कुछ पढ़ने के लिए खोलेंगे, जैसे होता है ना जब आप देखेंगे लोडिंग लिख के आता है, जो कुछ भी पढ़ने के लिए खोलेंगे तो लोडिंग आता है, तो एक एक करके दोस्तों कंप्लीट करिए। तो दोस्तों आपको कोई भी मतलब सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है तो कोर्स मॉड्यूल में क्लिक करिएगा। जैसे दोस्तों कंप्यूटर खोलेंगे नीचे कोर्स मॉड्यूल करके लिख के आएगा, तो देखिए इसको पहले खत्म किया, इसको खत्म किया, तो ऐसे दोस्तों खत्म करते हुए जाएंगे तो यकीन मानिए एक दिन में कंप्लीट आप कर सकते हैं, दो दिन का भी समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ समय देके देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक दो घंटे की बात तो नहीं है, एक दिन का समय लग सकता है दोस्तों। तो भाई एक दिन में पूरा आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम क्या था, आपके ऑनलाइन क्लासेस थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें ये आई थी दोस्तों कि बहुत से डीएलएड कैसे कॉलेज थे जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था, तो उसी को लेकर दोस्तों दीक्षा ऐप को भाई लॉन्च कर दिया गया कि भाई इस ऐप में कम से कम डीएलएड छात्रों को पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल मिलने वाला है। एक बात और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अपना दीक्षा ऐप को अकाउंट क्रिएट करें तो वहाँ कम से कम दोस्तों आपका जो पूरा नाम हो उसको सबमिट करिएगा। जैसे कुछ बच्चों का नाम होता है ना विनय, जैसे इसमें दोस्तों ने हमने शो किया विनय कुमार सिंह, ठीक है, हम विनय सिंह के नाम से भी दोस्तों अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अगर आगे चलकर कभी कुछ जरूरत पड़ी कि भाई वेरीफाई कराने लगेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं हमारा दीक्षा ऐप पर तो विनय सिंह नाम लिख के आ रहा है लेकिन तुम्हारा जो रियल का नेम है वो विनय कुमार सिंह है, तो दोस्तों आपका जो भी नाम हो शुरू से लेकर अंत तक पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। अगर किसी के नाम में पहले कुमारी लिख के आता है कि कुमारी आशा देवी या कुमारी कुछ भी, तो आप उसको सही से सबमिट करिएगा सभी छात्रों के लिए। ये सब छोटी छोटी आप गलतियां कर जाते हैं फिर बाद में दिक्कतें होती हैं। जो भी आपका नाम है इसको सही से फिल करिए, डीएलएड के छात्र लॉगिन एंड रजिस्टर, ठीक है। और इसका पासवर्ड बनाते समय एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, पासवर्ड बनाते समय गलती बच्चे काफी कर रहे हैं, तो देखिए इसका पासवर्ड आप ऐसे बना सकते हैं, हम आपको एक हिंट दे रहे हैं। जैसे दोस्तों आपको दीक्षा ऐप का पासवर्ड कुछ नहीं याद आ रहा, तो आप लिखिएगा सिंपली जो हम लिख रहे हैं वही लिख दीजिए, कैपिटल डी ई एल ई डी, ठीक है, एट द रेट 123, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये भी पासवर्ड बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई 1 2 3 4 डाल देते हैं, ऐसे नहीं लेता, इसमें दोस्तों मतलब पहला अक्षर कैपिटल कर दिए डी, फिर ई एल डी एल एट द रेट 123, तो ऐसे करके भी दोस्तों आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए दीक्षा ऐप पर, लग जाइए और एक दिन में अपना कोर्स कंप्लीट करिएगा, दो दिन का समय बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का मन है तो दीक्षा ऐप को अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर आपको समझ में नहीं आता दीक्षा ऐप पर क्या है, टाइम पास लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो एक दिन में दोस्त स्क्रॉल करते हुए जल्दी जल्दी अपना कोर्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। जब दोस्तों आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिख के आएगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। एक दिन में दोस्तों हो सकता है। और एक बात और आपको बता दी जीपीएफ को लेकर, जी हाँ दोस्तों जीपीएफ को लेकर काफी ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं कि जीपीएफ में क्या होने वाला है, क्या बवाल है जीपीएफ। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी हमने एक आपके लिए वीडियो बना रखी है, उसको एक बार जरा देखिएगा। जीपीएफ भी बहुत ही आसान है, खाली एक बार आप उसको करना सीख जाएंगे तो आराम से बीएल एमएल और ईएल कर पाएंगे।
फिर से मतलब आपको बता देते भाई BL क्या होता है। देखिए BL का मतलब है बेस लाइन, ML का मतलब होता है मिड लाइन, और EL का मतलब होता है इंड लाइन। तो बेस, मिड और इंड। M का मतलब मिडिल वाला होता है ना, मध्य में, ठीक है, ये सब जरा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, लग जाइए आप लोग दीक्षा ऐप को लेकर, और जो भी दोस्तों अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दीक्षा ऐप हो गया, GP ऐप हो गया, सारी अपडेट्स को। बाकी DL छात्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जुगाड़ तरीका दोस्तों बस यही कि कुछ भी आपको पूरा नहीं पढ़ना खाली। हाँ, एक और तरीका दोस्तों आपको बताते, गलती आप कहाँ करते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने कोई 40 मिनट की वीडियो आ गई, आप दोस्तों एक सेकंड से लेकर लास्ट में सेकंड में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाइए। एक सेकंड से दोस्तों 10 सेकंड, 15 सेकंड, या 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, ऐसे ऐसे करेंगे तो दोस्तों भाई ऐप भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। ऐप को दोस्तों ज़्यादा अपडेट मत करिएगा, ठीक है, कोई नया अपडेट आने से पहले उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब ऐप अपडेट होता है ना तो वो आपकी जो चालाकियाँ होता है ना उसको पकड़ता है कि आप चालाकी तो नहीं कर रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। GP ऐप में भी यही था, तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और अपडेट में, और एक दिन में आपको कोर्स पूरा करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लग जाएंगे एक एक दिन में दोस्तों, जो कोर्स मॉड्यूल पर क्लिक करना जरूर, ठीक है। कोई भी कोर्स है डायरेक्ट दोस्तों ऐसे नहीं होता, कोर्स मॉड्यूल पर जा जाके एक एक करके सारे वीडियो को देखते रहिए, जहाँ पर भी क्लिक कर सके हर जगह क्लिक मारिए, ठीक है ना। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। अगर आपसे ना हो तो इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे और खुद करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो वैसे दोस्तों इस कोर्स को कंप्लीट करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कंप्यूटर का कोर्स 10 मिनट में कंप्लीट कर पाए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।